जनता जागरूक हो गई है, महिला सशक्त हो गई है, अब दिल से नहीं दिमाग से वोटिंग होगा। हम लोग को सुनने में आया पैसा पर टिकट बिक रहा है आरजेडी में। हम लोग खुद राजद के लिए मरते हैं जीते हैं, और हमारे बीच का जब कोई कैंडिडेट नहीं हो, कहीं और का ला के रख दे, तो हम लोग विरोध करेंगे। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए 10 सर्कुलर रोड से। राबड़ी देवी आवास है, लालू आवास भी कह सकते हैं, अब तेजस्वी का यहाँ ठिकाना है। और महागठबंधन का जिस तरीके से स्वरूप बन और बिगड़ रहा है, टिकटों के बंटवारे की जो बातचीत हो रही है, उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी हो रही है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की, महागठबंधन के भीतर भी बहुत सारी बातचीत है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, मगर यहाँ समर्थन जो टिकटार्थी हैं उनके समर्थक भी यहाँ आकर के 10 सर्कुलर रोड के बाहर जमा हैं, चाहे वो टिकारी कोच के हों या लालगंज के हों। लालगंज के लोगों का क्या कंसर्न है भाई? हम लोग का मांग है कि हमारा विधायक हमारे बीच का हो, मंजू सिंह हो, जो हम लोगों के सुख दुख में साथ खड़ा रहती है। बाढ़ आया तो उसमें मंजू सिंह ने सबसे आगे कदम बढ़ाया, इतना मैंने पूरे कमर मैंने ठेउना भर पानी में घुस घुस के लोगों को मदद पहुंचाया, शेड का व्यवस्था किया, खाना की व्यवस्था किया, चमकी बुखार है उसमें कोई नेता नहीं किया, वहाँ का जो वर्तमान विधायक था वो भी नहीं गया, उसको तो लोगों ने बंधक बनाया। वहाँ पे मेडिकल टीम की व्यवस्था करवा के मंजू सिंह ने कंटिन्यू लोगों की मदद की। हर सुख दुख में जब हमारे बीच मंजू सिंह रहेंगी तो हमारे विधायक भी मंजू सिंह होनी चाहिए ना, हमारे बीच की विधायक हो जो हमारे। कौन विधायक? अभी वहाँ लोजपा का विधायक है राजकुमार शाह, जो आज तक 5 साल में लालगढ़ की एक भी जनता उनका शक्ल नहीं देखा, कभी शक्ल नहीं देखा। हम लोगों का मांग है, हम लोग का, आप लोग आरजेडी वाले हैं तो लोजपा वालों के लिए तो ऐसा कहे नहीं, लोजपा किसी से भी आपको हम लालगंज का माने अनेकों लोग का नंबर दे देंगे, किसी से आप फोन करके पूछ, अगर हम लोग झूठा है तो आप अन्य नॉन व्यक्ति पे फोन कर लीजिए और पूछ लीजिए कि राजकुमार साहब क्या है। ये आप महिला है, एक महिला का टिकट मांगने आई है, वो महिला आप लोगों के बीच है कि नहीं है? देखिए, महिला होने का ये नहीं है कि महिला के लिए टिकट मिला, अब जनता जागरूक हो गई है, महिला सशक्त हो गई है, अब दिल से नहीं दिमाग से वोटिंग होगा, क्योंकि जो हर क्षेत्र में जो काम करता है, ये देख लीजिए प्रकृति का भी प्रकोप पड़ने वाला है, प्रकृति का भी प्रकोप है कि अगर तेजस्वी जी गलत करते हैं तो प्रकृति भी उन्हें नहीं क्षमा करेगी। लिस्ट उस्ट जारी हो गया है कि उनका टिकट कट गया है कि किसी और को मिल गया है कि आप लोग अभी से इतना? हम लोग को सुनने में आया पैसा पर टिकट बिक रहा है आरजेडी में पैसा पर टिकट बिक रहा है। आश्वासन दिया हुआ है मंजू सिंह को, खुद माननीय तेजस्वी जी दिए हैं कि मंजू सिंह आपको ही टिकट दिया जाएगा, क्योंकि इनके जैसा इतने कर्मनाथ महिला पूरे वैशाली क्या पूरे बिहार में नहीं मिलेगी, इतना ये हम लोग का मदद की है। आश्वासन दिए हैं तो आपको अपने नेता पर विश्वास नहीं है क्या? नहीं, विश्वास नहीं है, नेता पर विश्वास रहता तो क्या अभी सुनने में क्यों हो रहा है हर जगह से, नहीं राजद में किसी और को टिकट पैसा पर दिया जा रहा है। अब पैसा पर खरीदने वाला नेता कभी जनता का सुख दुख नहीं देखेगा, वो अपना। हम लोग आज सोशल मीडिया पे जो खबर चल रहा है ना, और एक न्यूज चैनल है उसका, हम सुदर्शन न्यूज इसी तरह कोई न्यूज, उसमें बार बार सुदर्शन न्यूज का है देखते हैं, हम बता रहे हैं जो भी न्यूज और सोशल मीडिया उस पर लगातार ये खबर आ रहा है कि लालगढ़ से रामा सिंह की पत्नी को टिकट मिल रहा है, बस हम लोग भी जिसके कारण रघुवंश बाबू मर गए और फिर उसी को टिकट, फिर राजद परिवार का इज्जत बचेगा कहाँ? हम लोग खुद राजद के लिए मरते हैं जीते हैं, और हमारे बीच का जब कोई कैंडिडेट नहीं हो, कहीं और का ला के रख दे, तो हम लोग विरोध करेंगे, लालगंज में विरोध करेंगे अगर मंजू सिंह को टिकट नहीं, चाहे टिकारी हो या गो, चाहे लालगंज हो या और अलग अलग विधानसभा, अलग अलग समर्थक और उनके आरोप भी हैं जो अलग अलग टिकटार्थियों के समर्थन में यहां आकर के नारेबाजी कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के भीतर भी इनका दावा है, इनका आरोप है कि टिकट बिक रहा है। अब देखिए क्या होता है, नहीं होता है, किसको टिकट मिल पाता है, नहीं हो पाता है, मगर इसके बीच जो बातचीत है, विशेष तौर पर जब महागठबंधन का स्वरूप तय हो रहा है, लेफ्ट और कांग्रेस भी कमोबेश साथ आ चुकी है, तो उसमें तमाम समर्थक हैं जो अलग अलग जगहों से आए हैं और अपने जो जिसके समर्थन में आए हैं उनके पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। इतना ही दिखाना था आपको, बहुत शुक्रिया।